नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना महामारी से बचाव के लिए आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत जिले में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए कार्य करने वाले प्रथम पंक्ति के कर्मियों को टीका दिलवाया जाएगा। आज इसकी शुरुआत जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने टीका लेकर की। टीका लेने के बाद जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि टीकाकरण अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा, जिसमें जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर के सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के मानकी मुंडा को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में रखा गया है, उन्हें भी टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध किया गया है। आज फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी को भी अभी कोविड का वैक्सीन मिलना शुरू हुआ है। इसी के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा और जिला के पुलिस अधीक्षक उनके द्वारा भी वैक्सीन अभी लिया गया है। इसी तरह सभी जिला के वरीय पदाधिकारी PDITTA ADC और पुलिस विभाग के सभी SDPO DSP सभी ले रहे हैं। और इसी तरह हम लोग आने वाले दिनों में हमारे जितने फ्रंटलाइन वर्कर हैं, हमारे जो पुलिस के सिपाही से लेकर CRPF के हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, यानी हमारे ब्लॉक और अंचल में जो कार्य करते हैं, जो कोविड के दौरान स्थिति को संभालने में जो फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम किए, उन सभी को वैक्सीन अभी लगने वाला है। इस जिला के लिए एक मैं मानता हूँ कि गर्व की बात यह है कि राज्य सरकार ने इस जिला के जो मानकी मुंडा हैं उनको भी फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में उनको भी सिलेक्ट किया है। तो सभी मानकी मुंडा भाइयों को भी मेरी बधाई हो और उनको भी सभी डेटा हम लोग उनसे अभी कलेक्ट कर लिए हैं, तो उनको भी फ्रंटलाइन वर्कर में हम लोग जोड़ते हुए उनको भी वैक्सीन हम लोग मुफ्त में देना अभी जो सरकार के पॉलिसी के अनुरूप अभी देना शुरू करेंगे। करीब 5,000 के ऊपर की संख्या में इस जिला में पुलिसकर्मी और रेवेन्यू प्रशासन के कर्मी और पदाधिकारी का नाम एनरोल हो चुका है, और भी 1 से 2,000 और अब हम लोग जोड़ने वाले हैं मानकी मुंडा सहित। और मैं मानूंगा कि जो वैक्सीन के प्रति जो फेक न्यूज़ जो चल रहे हैं, कुछ लोगों के बीच में जो आशंका हैं, जो भी डाउट्स हैं, उन सभी को कृपया दूर रखें। इसीलिए उसको दूर करने के लिए ही प्रशासन के उच्च पदाधिकारी भी आज वैक्सीन ले रहे हैं। टीकाकरण को लेकर विभिन्न प्रकार की अफवाहों से दूर रहने की सलाह देते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लेना आवश्यक है और इसके लिए लोगों को अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आज से कोविड-19 टीकाकरण फ्रंटलाइन वर्कर्स का शुरू हो गया है। डीसी साहब ने भी टीका ले लिया है, मैं भी टीका ले लिया हूँ। मैं ये कहूँगा कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए टीका अफवाह हैं, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, उसे न्याय ध्यान दें और यथाशीघ्र टीकाकरण ले लें, क्योंकि ये कोविड महामारी आगे आने वाले दिनों में क्या रूप लेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। उल्लेखनीय है कि जिले में लगभग 7,500 फ्रंटलाइन वर्कर्स चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें कोविड-19 महामारी का टीका दिलवाया जाएगा। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा में नागरिक एकता मंच द्वारा किए गए रेल चक्का जाम को रेलवे अधिकारियों से हुई सकारात्मक वार्ता के बाद हटा लिया गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के वरीय अधिकारियों और रेल चक्का जाम करने वाले नागरिक एकता मंच के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई, जिसमें नागरिक एकता मंच की अधिकांश मांगों को रेल प्रशासन द्वारा मान लिया गया। इसके बाद करीब 6.5 घंटे उपरांत मुख्य रेल मार्ग से जाम हटा लिया गया। उल्लेखनीय है कि हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर वर्तमान में कई रेलगाड़ियों का परिचालन तो किया जा रहा है, परंतु उनका ठहराव हटा लिया गया है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। रेल के अधिकारी पदाधिकारी को यहाँ मौजूद होकर इस रेलवे ट्रैक में बातें करनी होगी और यहाँ पर स्टॉपेज देना होगा, उसके बाद ही ये रेल चक्का जाम हटेगी, अन्यथा निश्चित कालीन के लिए रेल चक्का जाम की राज।
झारखंड राज्य के श्रेष्ठ और बेहतरीन अस्वस्थ और वृद्ध कलाकारों की पेंशन राशि 1000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 4000 रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए वैसे कलाकार आवेदन कर सकते हैं जिनकी मासिक आय 8000 से कम हो। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 कलाकारों को यह पेंशन दिया जाएगा। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य में कृषि विकास की संभावना पर जोर देते हुए कहा कि फ्लोरिकल्चर से जुड़ी आधारभूत संरचना के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। राज्य उद्यान निदेशालय की ओर से आयोजित झारखंड में फूलों की व्यावसायिक खेती वर्तमान परिदृश्य एवं संभावनाएं विषय पर एक दिवसीय सेमिनार के दौरान रांची प्रमंडल के किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि अगला दशक किसानों का है और सरकार का फोकस कृषि उत्पादकता पर है, इसलिए कृषकों को परंपरागत तौर तरीकों के साथ साथ तकनीकी स्तर पर भी दक्षता हासिल करनी होगी ताकि किसानों की आय ज्यादा से ज्यादा हो सके। मंत्री ने कहा कि बागवानी संस्कृति को बढ़ावा देना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कृषि दर्पण का लोकार्पण किया। कृषि दर्पण के माध्यम से राज्य के किसानों को मौसम के साथ साथ कृषि की नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिली। राज्य सरकार अगले 4 सालों में 24 लाख किसानों को लखपति बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। कृषि ऋण माफी पर मंत्री ने कहा कि इसको लेकर सरकार प्रक्रिया शुरू कर चुकी है और अगले 50 दिनों में 9 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज माफ करने के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्गत किए जाएंगे। कोल्हान क्षेत्र के लिए न्यायपंच कार्यालय का मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने से मानकी मुंडाओं में हर्ष का माहौल है। मानकी मुंडाओं ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। वहीं दूसरे दिन बुधवार को मानकी मुंडाओं ने सरनाडी में चैबासा के विधायक दीपक बिरवा से मिलकर उन्हें बुके देकर धन्यवाद दिया। मानकी मुंडाओं ने कहा कि विधायक दीपक बिरवा शुरू से मानकी मुंडा व्यवस्था की मजबूती के लिए प्रयासरत हैं। उनके प्रयासों से आज न्यायपंच कार्यालय का उद्घाटन हुआ। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में आज से प्रारंभ हुए बीएल नेवटिया टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत आज खेले गए उद्घाटन मुकाबले में फेनाटिक क्लब चैबासा ने एक रोमांचक मैच में राइवल क्लब गोवा को 15 रनों से पराजित किया। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए आज के उद्घाटन मुकाबले में टॉस राइवल क्लब के कप्तान ने जीता तथा पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए फेनाटिक क्लब की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 170 रन बनाए। फेनाटिक क्लब की ओर से बल्लेबाजी करते हुए सुशील कुमार महतो ने 10 चौकों एवं 5 छक्कों की मदद से शानदार 85 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। जीत के लिए 20 ओवरों में 171 रनों का पीछा करने उतरी राइवल क्लब की टीम 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 155 रन ही बना सकी और लक्ष्य से 15 रन दूर रही। इस टीम की ओर से बल्लेबाजी करते हुए बलराम कोड़ा ने 3 चौकों एवं 1 छक्का की मदद से सर्वाधिक 37 रन बनाए। पतझड़ और गर्मियों के मौसम में जंगल में आग लगने का मामला अक्सर सामने आता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की ओर से सारंडा वन क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वन विभाग के पदाधिकारी ग्रामीणों को पेड़ नहीं काटने और आग से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना में SDPO विमलेश त्रिपाठी ने परामर्श समिति की बैठक की, जिसमें मुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मानकी मुंडा, डाकुआ और
ग्रामीण शामिल हुए। SDPO ने लोगों से सामाजिक कुरीतियों को रोकने में आम जनता से सहयोग की अपील की। उन्होंने इसके लिए पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाने की अपील की। चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा को झारखंड सरकार में मंत्री बनाए जाने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की पश्चिमी सिंहभूम जिला कमेटी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेगी। आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव सोनाराम देवगम ने कहा कि एक प्रभावशाली हो नेता के रूप में अपनी अमिट पहचान बना चुके विधायक दीपक बिरवा के प्रयास के कारण ही 2 फरवरी को सिरिंगसिया शहीद दिवस के अवसर पर हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। निश्चित रूप से कार्यक्रम की अपार सफलता का पूरा श्रेय विधायक दीपक बिरवा को जाता है। कोल्हान को न्याय पंच की सौगात देने के लिए झम्मो जिला समिति, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक दीपक बिरवा का हृदय से आभार प्रकट करती है। पिछले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में सिंहभूम की जनता ने झामुमो गठबंधन को इस विश्वास के साथ अपार समर्थन देकर राज्य में हेमंत सरकार बनाने में अपना बहुमूल्य भूमिका अदा किया है कि हो समाज की भावनाओं को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल में हो समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक दीपक बिरवा को राज्य कैबिनेट में अवसर मिलेगा। सोनाराम देवगम का कहना है कि हेमंत कैबिनेट में दीपक बिरवा को स्थान नहीं मिलने से हो समाज निराश था। झामुमो सिंहभूम जिला समिति को विश्वास है कि हो समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए अगले मंत्रिमंडल विस्तार में लोक जनप्रिय नेता दीपक बिरवा को हेमंत कैबिनेट में स्थान जरूर मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।